क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने कालहेर गोलीकांड के आरोपियों को 3 दिन के भीतर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। 12 तारीख को कालहेर के निवासी जय श्री डेढ़े के घर में 2 अज्ञात बदमाशों ने इन पर गोली चलाई थी, जिसमें महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इस गोलीकांड की जांच में नारपोली पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम भी जुटी हुई थी। महज 3 दिनों के भीतर ही क्राइम ब्रांच की टीम ने मिली हुई गुप्त जानकारियों के आधार पर मध्य प्रदेश के धार जिला से सुरेंद्र प्रताप सिंह भाटी एवं मान सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी जानकारी भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के अधिकारियों ने पत्रकार परिषद बुलाकर पत्रकारों को दी। अधिकारियों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए ये भी बताया कि आरोपियों ने महिला से 50,000 रुपए की मांग की थी, अगर नहीं दिया तो जान से मारने की धमकी दी थी। महिला द्वारा ना बोलने पर आरोपियों ने महिला पर हमला कर दिया। इन आरोपियों के पहले भी ऐसे कई आरोपों में हाथ होने की बात पुलिस ने बताई है। आगे की छानबीन भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम कर रही है। ये दिनांक 12/1/21 को सुबह 10:30 बजे के दरमियान जो कालेर में रहने वाले एक सदन कुटुंब है और जयश्री देड़े करके उनके घर में 2 अज्ञात इसम जाके उन्होंने उसमें से एक जन ने 2 राउंड उनके ऊपर फायर किए। उस दरमियान वो जख्मी महिला उसके सर में गोली लगी और जो दो उनका लड़का और ऊपर रहने वाला एक साक्षीदार है वो चेतन पवार करके वो छुड़ाने के लिए गए तो उसके ऊपर भी फायर करके वो आरोपी वहाँ से भाग गए। आरोपी के बारे में कोई भी क्ल्यू नहीं था। मिली जानकारी और गुप्त बातमी के अनुसार भिवंडी यूनिट 2 के अधिकारी और अमलदार सीनियर ऑफिसर्स ने दिए हुए निर्देश और गाइडेंस के तौर पे यहाँ से मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट ये जगह जाके वहाँ से लोकल पुलिस और इनके साथ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ से 2 आरोपी को हमने ताबे में लिया। उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन में वो गुनाह कबूल किया है। उन्होंने बताया कि महिला का पति है शिवराम देड़े करके, ये यहाँ ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। उस दौरान जो आरोपी इसमें से सुरेंद्र भाटी है ये यहाँ काम के निमित्त आता था, यहाँ अपना ट्रांसपोर्ट और मंदिर के सिलसिले में वहाँ आने के बाद में उनकी पहचान हो गई थी। वो पहचान के वजह से वो उनके घर में कभी गया होगा तो वो कारण उसको ऐसा सूझा कि उसके गांव में एक महिला ने कोई आदमी को वहाँ ब्लैकमेल करके उनसे कुछ पैसा वसूल किया था। उसको ये लगा कि ये आइडिया अगर हम यहाँ लगाते हैं तो हमें वो उसके तहत हमें भी कुछ पैसा मिलेगा। उसने एक मानसिंह करके उसको साथ में लेके वो यहाँ आया। आते समय एक पिस्टल साथ में लेके आया था, उसके साथ में कई राउंड थे। वो आने के बाद में उसने यहाँ वो महिला को 50,000 रुपये वो मांगा, नहीं है तो मैं तुम्हारी बदनामी करूँगा, मेरे पास में कुछ फ़ोटोज़ है, ऐसा है वैसा है, ऐसा झूठा बोला उन्होंने, जो सच नहीं है। असल में कोई ये खाली कहानी बना के उसने ब्लैकमेलिंग का करने का कोशिश किया। तब महिला ने विरोध किया और उस टाइम पे उन्होंने उसमें वो जो वादावादी हो गए उसमें झटापट हो गए। उस दौरान और औरत चिल्लाई, तभी उनका लड़का और बाहर से चेतन पवार ये छुड़ाने के लिए गए। उस टाइम में वो आरोपी ने सुरेंद्र भाटी इसने वो महिला के ऊपर एक फायर किया, उसके सर पे गोली लगे हैं, वो घायल बुरी तरह से है और वो उपचार जुपिटर हॉस्पिटल थाना यहाँ ले रहे हैं। और उसमें जो साक्षीदार था वो और उसका लड़का वो अपने बाल बाल बचे हैं, नहीं है तो उससे और हादसा होने की संभावना थी। ये दोनों आरोपी को हमने अरेस्ट किया हुआ है, उन्होंने गुनाह कबूला है और उसमें से उनका वेपन और आगे का ये हस्तगत करने की कोशिश करके आगे के और जांच कर रहे हैं। आरोपियों को बैकग्राउंड क्या है, क्या पहले भी हो इन्होंने इस तरह से अंजाम दिया था? बराबर है, ये दोनों आरोपी हैं वो राजमहल पुलिस राजगढ़ पुलिस थाना है जो धार डिस्ट्रिक्ट के ज्यूरिडिक्शन में, वहाँ उनके ऊपर हर एक के ऊपर 307 का गुना दर्ज है और वो वहाँ अरेस्ट हो चुके हैं और उनका बैकग्राउंड निकालने की कोशिश हम लोकल पुलिस स्टेशन से और उनका पीछे का जो ये है वो सब निकाल रहे हैं और आगे की जांच कर रहे हैं। महिला को मारने का ही प्लान था क्या, इसके लिए हथियार लेके आए थे? उस दौरान जो उसके पास में हथियार था उनमें झटापटी हुई तो वो भागने की कोशिश और वो करने के वक्त उन्होंने धमकाने के लिए लेके आ गया था। उसमें वो
झटापटी में उसने फायर निकाल के और अपने को छुड़ा के लेके जाने के वक्त उसके ऊपर फायर करके उसको जानलेवा उसके ऊपर हमला किया था। सर क्या महिला ने इससे पहले महिला को कोई फोन कॉल्स किया था बदनामी के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, महिला द्वारा कोई पुलिस कंप्लेंट की थी क्या इससे पहले? इसके पहले कभी महिला ने कंप्लेंट नहीं किया है और उसके बारे में पुलिस जाँच कर रही है। अश्लील फोटो सुना जा रहा है, अश्लील फोटो के बारे में बताया जा रहा है? गलत जो है वो कोई भी इसमें सच्ची कहानी नहीं है ना कुछ नहीं है। वो आरोपी ब्लैकमेलिंग करने के लिए पैसे की उसको ज़रूरत थी, ये गलत तरीके से नशाबाजी करने वाले आरोपी हैं, वो उनकी चैन और हवस मजा और उसकी पूरी करने के लिए पैसे की हवस के अनुसार उन्होंने ये किया हुआ गुनाह है। स्टोरी बना के इधर उसका यूज़ करने का ऐसा। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।